हे एवरीवन, आज हम बना रहे हैं दही बड़े। तो दही बड़े बनाने के लिए पहले हमने सबसे पहले लिया मूंग की दाल। मैंने 2 कप मूंग की दाल ली है, बिना छिलके वाली धुली हुई मूंग की दाल लीजिए। और उसके साथ में मैंने लिया है थोड़ी सी उड़द की दाल। उड़द की दाल मैंने 2 कप मूंग की दाल के लिए 1/4 कप उड़द की दाल ली है। और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना। मेथी दाना इसलिए डाला है ताकि, क्योंकि मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, ये बॉडी के लिए हैवी ना रहे। और साथ में हम इसे फ्राई भी करेंगे, तो फ्राई करेंगे तो ये तो मेथी दाना डालने से क्या होगा कि ये डाइजेस्ट इजीली हो जाएंगे। अब मैंने मेथी दाना और उड़द की दाल को मिक्स कर लिया। अब इसको हम मूंग की दाल में मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसे वॉश करेंगे, इन दालों को पानी डाल के हम इनको वॉश करेंगे ताकि जितना भी डर्ट पार्टिकल या फिर जो भी डर्ट है वो इसमें से दाल में से निकल जाए। 2 से 3 बार आप इस दाल को अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब इसे वॉश करने के बाद जो है हम इसे सोक करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे सोक करने से दाल जो है वो फूल जाएगी और ईजिली ग्राइंड हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसे सोक करने रख दिया है, 2 से 3 घंटे सोक होगी। उसके बाद ये देखिए दाल का साइज़ ऑलमोस्ट डबल हो गया है, भिगोई हुई दाल का। अब हम इसमें से पानी निकाल के और मिक्सी में ग्राइंड होने के लिए रख देंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि दाल चलाने में मिक्सी में आसानी हो। और जो ये बैटर है ये हमें थिक कंसिस्टेंसी का ही रखना है। ये देखिए ग्राइंड हो गया, अब मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया। और इसे बर्तन में निकालने के बाद हम हाथ से चेक करेंगे कि कहीं इसमें कोई दाना, मोटा दाना तो नहीं, क्योंकि हमें इसके लिए बैटर जो है काफ़ी स्मूथ चाहिए। दाल का बैटर स्मूथ होना चाहिए। ये देखिए ये स्मूथ बैटर है। अब इसे हम हाथ से चलाएंगे, इस मिक्सचर को हाथ से मिक्स करेंगे ताकि इसमें हमें इसमें जो है हवा भरनी है। हमें इस बैटर को एरेशन देना है। जितना ज़्यादा इसमें हवा भरेगी उतना ही हमारे बड़े जो है वो लाइट फ्लफ़ी बनके तैयार होंगे, उतना ही स्पंजी, उतना ही फ्लफ़ी, उतना ही लाइट बनके तैयार होंगे। मुंह में मेल्ट होने वाले बड़े बनेंगे जितना हम करेंगे। मैंने इसमें 7 से 10 मिनट मैंने इसे हाथ से चलाया है इस बर्तन के अंदर खूब अच्छे से। अब मैं इसे बीच बीच में जो है हाथ से उठा के देख रही हूँ कि हवा भर रही है नहीं भर रही है। आपको ये हवा भरना फील हो जाएगा क्योंकि जो पहले आपने जो दाल हाथ से टेस्ट चेक की होगी वो थोड़ी सी नॉर्मल होगी, लेकिन जब बाद में आप हटाएंगे तो आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि लाइट है, फ्लफ़ी बैटर हो जाएगा इसका। ये देखिए, और इसमें मैंने बिल्कुल भी मीठा सोडा नहीं डाला है। हम इस बैटर को, दही बड़े के बैटर को विदाउट सोडा बनाएंगे, क्योंकि एक बार सोडा डालने से एक तो थोड़ा सा टेस्ट में भी थोड़ा सा सोपी सा हो जाता है, और साथ ही साथ जो है मीठा सोडा कम ही खाना चाहिए, मैं तो कहूँगी नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये देखिए इसमें अच्छे से हवा भर गई है, बिना कोई सोडा डाले, बिना इनो डाले, और इसमें अच्छे से एरेशन हो गया। ये देखिए कितना फ्लफी, कितना लाइट बैटर हो गया है वो पहले के मुकाबले। अब एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे। तेल डाल के हम, ये तेल गर्म हो जाएगा जब हम इसमें वड़े डालेंगे। मैंने देखिए छोटे छोटे वड़े बनाए हैं, मुझे छोटे वड़े पसंद है। आप चाहे तो बड़े बड़े भी बना सकते हैं, आप छोटे बनाए या चाहे बड़े बनाए, ये बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं। और साथ ही साथ जो है इनमें ना कोई गांठ पड़ेगी ना ये टाइट होंगे, बहुत ही स्पंजी, बहुत ही लाइट, बहुत ही फ्लफी, बहुत ही यमी जो है वो बड़े बन के बाहर आएंगे। अब इन बड़ों को हम पानी में सोक करेंगे। इसके लिए हम पानी जो लेंगे वो लेंगे ल्यूकॉम। गुनगुने पानी में 2 चम्मच नमक डालिए और उस नमक को अच्छे से मिला लीजिए। ये करने के बाद हम ये जो हमारे बड़े बने हुए हैं वो उसमें डालेंगे। ल्यूकॉम वाटर हमने गुनगुना पानी इसलिए लिया है, एक तो दही बड़े जल्दी पानी सोखेंगे और दूसरा जो है वो सॉफ्ट रहेंगे गर्म पानी में डालने से। और हम इसे ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद ये चाट बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। दही वाला चाट बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैंने दही बड़े में से पानी निकाल के उसे प्लेट में ले लिया है। उसके बाद मैंने चना, बॉयल्ड चने डाला है इसमें, बॉयल्ड चने, काले चने, वाइट चने, जो आपको अच्छे लगे वो डाल सकते हैं। उसके बाद ये दही है, दही अच्छे से दही डालिएगा क्योंकि ये है ही दही बड़ा, तो इसमें खूब सारा दही तो होना ही चाहिए। और साथ में अब हम डालेंगे इमली की चटनी। ये इमली और
गुड़ की चटनी है, आप इस पे चाहे तो क्या कहते हैं, मेरे पास इसका एक वीडियो है, वो मैंने डाला है यूट्यूब पे ही डाला है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं इमली की चटनी बनाने के लिए। उसके बाद मैंने ये भुना हुआ ज़ीरा डाला है। भुना हुआ ज़ीरा डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, क्योंकि दही बड़े के अलावा चना डाला है, दही डाला है, और इन सब में जो है नमक नहीं है वो डाल लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें मिर्ची डालेंगे तो थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए। दोबारा से इसमें दही डालिए। नाउ इट्स रेडी टू डिग इन। आप भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं, और बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू।